आयुष्मान वन राष्ट्र और दूसरा आयुष्मान भारत में भी अगर कहीं भी भविष्य में आप कहीं और जाते हैं तो आपको इलाज की सुविधा मिल पाएगी। 5 किलो अनाज और 1 किलो चने का हर महीने अगले 5 महीने तक देने का जो वादा किया है। 8,68,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था जिसको संबोधित प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया। प्रेस वार्ता का आयोजन में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया और उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया कि गरीब जनता को 5 महीने तक का राशन दिया जाएगा, उसी के तहत ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था जिसमें संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो पूरे देश के लिए सोचते हैं। विपक्ष ने जब सवाल उठाया था कि बिहार इलेक्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि 5 महीने तक राशन दिया जाएगा, इस पर क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का, पहले आप वो सुने। 8,68,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा और दो ऐसी योजनाएं इसमें चली है, पहला वन नेशन वन राशन और दूसरा आयुष्मान भारत में भी अगर कहीं भी भविष्य में आप कहीं और जाते हैं तो आपको इलाज की सुविधा मिल पाए। तो ये दो सुविधाएं तो है, वन नेशन वन राशन का और आयुष्मान भारत का। तो अब बिहार के व्यक्ति कहीं भी रहेंगे तो उन्हें कभी भी भविष्य में राशन की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, जैसा हमने मार्च के में देखा। ये सर विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि नवंबर तक इसको बढ़ाया गया है तो क्या बिहार चुनाव से इसका क्या कनेक्शन? देखिए, विपक्ष का क्षेत्रीय पार्टियों की सोच अपने क्षेत्र से ज्यादा आगे नहीं है। यह जो किया गया है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मेघालय से लेकर गुजरात तक की या किसी प्रदेश के लिए कोई योजना नहीं, क्योंकि यह ऐसा समय है जब एक तरफ बुआई के बाद किसानों को भी कोई ऐसा रोजगार का भी नहीं रहता है अगले 3 महीने और लगातार इस समय कोई ना कोई हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार रहते हैं। इन दोनों बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है और न कश्मीर में चुनाव हो रहा है और न केरल में चुनाव हो रहा है। यह जो फैसला है पूरे भारत के लिए है। कृपया मैं तो अपने विरोधी दलों से कहूंगा कि छोटी छोटे से वोट करके भारत के भविष्य के लिए मार्ग। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि इस योजना का फायदा आपको बिहार चुनाव में मिलेगा? इस योजना का फायदा भारत के 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा और इसके लिए पुनः 1,50,000 करोड़ रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है उसके लिए मैं बिहार वासी के रूप में भारत के नागरिक के रूप में उसके लिए सभी को चिंता थी कि इतने सारे प्रवासी बिहार आए हैं और विभिन्न स्थानों पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का जो लॉस हुआ है, जो हमारे काम करने वाले मजदूरों को दिक्कत हुई है, उसका क्या हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कल के राष्ट्र के नाम संबोधन में अगले 5 महीनों के राशन की व्यवस्था सभी गरीबों के लिए करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सभी को इस बात की चिंता थी जो प्रवासी आए हैं उनको भी थोड़ा रोजगार मिलने में समय लग सकता है, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, लेकिन दीनदयाल जी का जो मूलभूत सिद्धांत है अंत्योदय का, उसी को पालन करते हुए एक तरफ मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार देने का मनरेगा के तहत वादा और 5 किलो अनाज और 1 किलो चने का हर महीने अगले 5 महीने तक देने का जो वादा किया है, तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार देने के लिए आज हम इसके कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरह से लगातार दिक्कतें हो रही और कोरोना महामारी में भी जितना बढ़िया रिकवरी रेट बिहार ने दिया है वह भी अपने आप में एक उदाहरण है और प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के 32 जिलों को चुना है कि 3,00,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं जिसमें उधार मिलने की सुविधा है रेहड़ी से लेकर के मध्यम दर्ज उद्योगों को,
उसमें भी बिहार के 32 जिलों को प्राथमिकता मिलेगी और उसके साथ मनरेगा और अनाज देकर बिहार वासियों पर बहुत बड़ा उपकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरे भारत के विभिन्न मुख्यमंत्री 2 से 3 महीने का राशन मांग रहे थे कि आपने 3 महीने का राशन दिया, बहुत अच्छा किया, हमें 2 से 3 महीने का राशन की और मदद कर दी। लेकिन यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं कि मुख्यमंत्री 2 से 3 महीनों का मांग रहे थे और इन्होंने 5 महीने का राशन दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार हूँ। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव ये सब लोग सारे लोग जो हैं ये छोटे सोच के लोग हैं, ये जो स्कीम प्रधानमंत्री ने चलाया है ये खास तौर पे बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टी बस अपने क्षेत्र के लिए ही सोचती है। भड़ाला बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।